सेंट्रल एशियन इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशन पे, ठीक है इट्स फ्यूजन ऑफ एशियन इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशन, इट डिटेल्स आर इन आयने अकबरी इसकी जो पूरी डिटेल है वो आइने अकबरी में लिखी हुई है अ पार्ट ऑफ कुबर्स बायोग्राफी अकबरनामा आये अकबरी जो है वो एक पार्टी है किसका अकबर की बायोग्राफी का और अकबर की बायोग्राफी अकबर नामा जो लिखी है अबुल फजल ने ये क्वेश्चन पी में भी पूछा है बच्चा तो याद रखना हु रोज द तो बायोग्राफी ऑफ अकबर फजल नीम अकबर नामा अकबर की बायोग्राफी का नाम है अकबर नामा लिखी है अबूल फजल ने उसी का एक पार्ट है आये अकबरी जो बेसिकली डील करता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द किंग कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सो सेंट्रल अथॉरिटी वॉज किंग सेंटर में कौन था किंग था उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करते थे उसके मिनिस्टर्स में कौन कौन थे बच्चा, बचा मिनिस्टर्स, वो वकील प्राइम मिनिस्टर दीवान और वज़ीर मिनिस्टर ऑफ फाइनेस एंड एक्सपेंडिचर देखो वकील प्राइम मिनिस्टर दीवान और वज़ीर मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीर मीरबी मिलिट्री कमांडर या मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री हैड मीर समन मिनिस्टर ऑफ़ रॉयल हाउस होल्ड मीर सामन मीर समन मिनिस्टर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड है मीर बख्शी मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वजीर मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और वकील प्राइम मिनिस्टर है दद्र मिनिस्टर फॉर एनफोर्सिंग द शरिया दैट इज़ इस्लामिक लॉ इस्लामिक लॉ को एन्फोर्स कराने के लिए भी एक मिनिस्टर होता था जिसका नाम होता था सदर ठीक है चलो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था बच्चा जो पूरी की पूरी एम्पायर थी वो सूबे में प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी और हर सूबे का एक सूबेदार होता था सूबे को फिर से डिवाइड किया जाता था सरकार में जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट आज का डिस्ट्रिक्ट पहले का सरकार एंड द सरकार इन परगना ठीक है प्रोविंस के छोटे छोटे टुकड़े किए तो बन गए सरकार सरकार को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो बन गया परगना ईच अप ऑफ नंबर ऑफ विलेजेस हर में बहुत सारे विलेजेस होते थे देखो सूबे को फिर हमने तोड़ा काय में तोड़ा बच्चा सरकार में सरकार को क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट ठीक है फिर सरकार टूटा काय में परगना में समझ चलाओ परगना को हम तहसील बोल सकते हैं फिर एक परगना के अंदर बहुत सारे क्या थे बच्चा विलेजेस थे ठीक भी बाहर इस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था ऑफिशल्स को पोस्ट किया जाता था हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पे उन्हें रेगुलर कैश सैलरीज दी जाती थी कई बार उन्हें जागीरस मतलब लैंड ग्रांट भी मिलती थी फॉर डिस्टिंग सर्विसेज वैसे तो सैलरी कैश में मिलती थी पर कई बार उन्हें बड़े बड़े जागीरें लैंड ग्रांट्स भी मिल जाती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें टाउन को एडमिनिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कोतवाल के पास कोतवाल का काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना वेट और मेजर्स को चेक करते रहना उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना और जो पुलिस स्टेशन होते थे उसे कोतवालीज बोलते थे अम स्टिल यूज इन नॉर्थ इंडिया कोतवालीज कोतवाली आज भी कई जगह नॉर्थ इंडिया में ये नाम यूज़ होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करता था, था बच्चा कोतवाल शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था रिगार्डिंग विलेज वो कंटिन्यू रहा मुगल पीरियड में भी विलेज हेडमैन मतलब गांव का मुखिया उसको क्या बोलते थे बच्चा मुकदम कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर मुकद्दम जिसको आज हम मुखिया बोलते हैं ना विलेज हेडमैन कॉल मुकद्दम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करे ऑफिशियल्स भी होते थे जैसे कि पहला कॉल पटवारी पटवारी का, का काम होता था रेवेन्यू रिकॉर्ड रखना किसके पास कितनी ज़मीनें हैं किससे कितना टैक्स कलेक्ट करना है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पटवारी की ठीक हुई बात अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में इन्फेंट्री मतलब पैदल पैदल चल के लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं उन्हें इन्फेंट्री बोलते हैं केवलरी जो घोड़े पे चलते हैं वॉर एलिफेंट मतलब युद्ध में लड़ने वाले एलिफेंट भी थे घुड़सवार सैनिक भी थे पैदल चलने वाले सैनिक भी थे आर्टिलरी मतलब तोपे भी थी अकबर के पास नेवी भी थी पर वो थोड़ी वीक थी नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी अकबर की जो एम्प्र थे वो मेंटेन करते थे बच्चा ट्रेन ग्रुप्स के मेंबर को मतलब बहुत सारे एम्पर के पास बहुत सारे ऐसे लोग भी होते थे जो वेल ट्रेनड हैं सारे टाइप के वेपन्स को चलाने के लिए उन्हें रॉयल बॉडी बना दिया जाता था और वो पैलेस में रहते थे पैलेस को गार्ड करने के लिए मतलब महल की सुरक्षा के लिए भी कुछ लोगों ने चाहिए थे जो सारे वेपन्स वगैरह चला पाते थे ठीक है इनकी नेवी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी पर बाकी इन्फेंट्री कैलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नॉर्मनसबारी सिस्टम मनसबदारी सिस्टम ये किसने इंट्रोड्यूस किया था बच्चा ये सिस्टम अकबर ने हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम अकबर ही ग्रेडेड ऑफ़िसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मनसब उसने ऑफ़िसर्स को ग्रेड करना स्टार्ट किया उनकी रैंक के अकॉर्डिंग और फिर क्या कहा उन्हें मनसबदार्स मनसबदार जनरली एंटर्ड सर्विस इन लो रैंक मनबार बहुत नीची रैंक से सर्विसेज को ज्वाइन करते थे एंड रोज थ्रू द प्रमोशन और फिर धीरे 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 प्रमोट होकर ऊपर की तरफ जाते थे उनकी लॉयल्टी कैसी है सर्विस का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर ऊपर जाते रहते थे मतलब प्रमोशन होता रहता था एक मनसबदार की जो रैंक होती थी बेटा वो उसके जाट या उसके सवार पे डिपेंड करती थी जाट वो वैल्यू है बेटा उसकी पर्सनल सैलरी की वैल्यू है दिस इंडिकेटेड इज स्टेटस जाट से जट से उसका स्टेटस इंडिकेट होता था सवार बोले तो उसके पास कितने घोड़े हैं कितने हॉर्समैन है कितने हॉर्स हैं ये भी उसको मेंटेन करना पड़ता था उसे क्या बोलते थे सवार तो कितने जट उसके पास है जाट उसके पास है कितने सवार उसके पास है इससे उसका रैंक डिसाइड होता था उसको जो सैलरी होती थी वो फिक्स्ड होती थी ऑन द बेसिस ऑफ दिस जितने उसके पास घुड़सवार होंगे घोड़े होंगे उसके हिसाब से उसकी सैलरी फिर फिक्स कर दी जाती थी अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा है उन्होंने बताया है ये दस हॉर्समैन से दस हज़ार हॉर्समैन तक हो सकता है एक मनसबदार को फिक्स नंबर ऑफ एलिफेंट कैमल और कार्ट मेंटेन करने होते थे एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो अकबर के मनसबदार थे उन्हें हाईएस्ट सैलरीज मिलती थी उस पर्टिकुलर टाइम में वर्ल्ड में कोई इतनी अच्छी सैलरी नहीं देता था जितना कौन देता था अकबर अकबरस मनसबदार हाइस्ट सैलरीज इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला ही कौन था अकबर बिफोर रिसिविंग हि सैलरी अ मनसफदार हैड टू प्रजेंट हिज हॉर्समैन फॉर इंस्पेक्शन बच्चा उसको सैलरी मिले इसके पहले उस मनसफदार को प्रजेंट करना था अपने हॉर्समैन को इंस्पेक्शन के लिए उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा चेहरा ऑफ द हॉर्समैन वॉज मैंटेन टू प्रवेंट सब्सट्यूशन एक हॉर्समैन का पूरा के पूरा चेहरा रिकॉर्ड करके लिख दिया जाता था जिससे सब्सट्यूशन की चांसिस ख़त्म हो जाए दे उनके जो हॉर्स थे उनकी ब्रांडिंग कर दी जाती थी उन्हें दाग दिया जाता था मोहर मतलब सील लगा दी जाती थी उनके ऊपर जिससे उन घोड़ों की चोरी भी ना हो मतलब ऐसे गरम एक रॉड को सील को गरम करके उनके पेट पर कहीं पर भी लगा दिया जाता था जिससे एक तो पहले तो ये पता चल जाएगा कि ये हमारा है और इसकी चोरी भी होगी तो भी इसीलिए पकड़ाया जाएगा तेम्पर कुड यूज ट्रूप्स मेंटेन में बाय मनसबदार मनदारेबर ही फिज तो एक राजा को जब भी लगेगा तो वो उन ट्रूप्स को यूज़ कर सकता है जो उसके मनसबदार मेंटेन कर रहे हैं कुछ मनसबदार्स को कैश में सैलरी मिलती थी और कुछ को जागीर मिल जाती थी जागीर को केयरफुली एसेस किया जाता था किसी को भी देने के पहले ठीक है ज़रूरी होता था कि उस उस पर्टिकुलर एरिया से उतने ही रेवेन्यू एसेस किए जाएंगे, जितनी मनसबदार की कैश सैलरी बनती है जागीर परमानेंटली किसी को नहीं दे दी जाती थी किसी भी मनसबदार को तीन चार साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रखा जाता था कुछ रिलीजियस चीफ थे मेनली राजपूत हु सरेंडर्ड एंड ग्रांटेड वतन जागीर जो कि हेरीडेटरी थी अब राजपूत को इसीलिए दी क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया अपना वो जो किंगडम छोड़ दी तो उन्हें जरूर हेरीडेटरी मनसबदारी दी जाती थी बाकी जबकि मनसबदार की, की पोजीशन हेरीडेटरी नहीं होती थी तीन चार साल बाद उसको चेंज कर दिया जाता था मुगल ऑफिसर्स फौजदार की हेल्प ले सकता था के लिए बच्चा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अगर कोई किसान नहीं दे रहा है तो उसे फोर्स लगाना पड़ता था तो फौजदार की हेल्प ले सकता था बेटा अकबर की डेथ के बाद इन लोगों ने क्या कर दिया इस पोजीशन को हेरीडेटरी बना दिया कि एक बार एक जागीर के आप मनसबदार बने तो आप बने रहेंगे औरंगज़ेब का टाइम आते होते तो मनसबदार का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जागीर की शॉर्टेज होने लगी शाहजहाँ औरंगज़ेब मोस्ट ऑफ द हाई क्वालिटी लैंड वर मेड क्राउन लैंड मतलब औरंगज़ेब और शाहजहाँ ने क्या किया जो अच्छी क्वालिटी की लैंड थी उसको अपने पास रख लिया और वहाँ से खुद रेवेन्यू कलेक्ट किए और जो लेस फर्टाइल हुए थी जहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता था वो जागीर के रूप में बांट दी द रेवेन्यू एड ऑफ दिस जागीर ऑफन फेल शॉर्ट बाई सैलरी इज़ दे रिप्रजेंटेड और फिर क्या हुआ उन जागीर उन मनसबदार को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी उतनी सैलरी का कलेक्शन उस जागीर से नहीं हो पाता था सो द होल्डर ऑफ़ दि जागीर ऑफन ग्रोपरेसिव और इस वजह से वो गुस्सा हो जाते कि भाई हमारी सैलरी जितनी है उसके बराबर की जागीर में से हमें रेवेन्यू रियलाइजेशन होना चाहिए यह हो नहीं रहा है इसलिए वो गुस्सा हो जाते थे और फिर किसानों पर अत्याचार करके उनसे ज्यादा रेवेन्यू लेने की कोशिश करते थे कौन मनसबदार लोग सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू पढ़ेंगे अब हम अकबर का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बनाया था राजा तोडरमल जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर भी थी और ये किस पे बेस करता था शेरशाह सूरी का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसी पे बेस करता था हर पीजेंट मतलब जितने भी पीजेंस थे ईच पीजेंस हर किसान की कि जो ज़मीन थी उसको पहले मेजर किया जाता उसके ईल्ड को असेस किया जाता कि वो कितना प्रोड्यूस करती है टोटल मल कैलकुलेट करते उसमें से स्टेट का शेयर हर क्रॉप का थ्रू द जब्त सिस्टम जब्त सिस्टम के थ्रू असेसमेंट हो जाता अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था डेटा रिगार्डिंग द एरिया कल्टिवेटेड एक्चुअल प्रोड्यूस एंड लोकल प्राइजेज वर कलेक्टेड वॉज कलेक्टेड फॉर ईच क्रॉप फॉर टेन ईयर किन किन चीज़ों का डाटा लगता था बेटा रेवेन्यू कैलकुलेशन के लिए तो पहले चीज़ थी <coughs> कि कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है एक्चुअल प्रोड्यूस कितना हो रहा है लोकल प्राइजेस कितनी मिलेंगे उस प्रोड्यूस को सेल आउट करके ये पूरे दस साल का कैलकुलेट होता था और जो भी एवरेज प्रोड्यूस होती थी प्राइस ऑफ ईच क्रॉप हर साल में दो क्रॉप कर रहे हो तीन क्रॉप कर रहे हो इस टेन ईयर का सब कैलकुलेट हो जाता था और फिर फिक्स किया जाता था वन थर्ड ऑफ एवरेज प्रोड्यूज आपकी दस साल में जो भी प्रोड्यूस हुई है उससे एवरेज प्रोड्यूस निकलेगी और फिर वन थर्ड आपको किसको देना है बच्चा स्टेट को देना पड़ता था रेवेन्यू दोनों ही तरीके से दे सकते थे आप कैश में भी और काइन में भी मतलब कैश में भी दे सकते थे और ने जो भी ग्रो किया है वो भी दे सकते थे फार्मर को लोन भी मिलता था किससे स्टेट से और ये जो जब सिस्टम था ये हर जगह उन लोगों ने अप्लाई किया कहाँ कहाँ पर लाहौर से लाहौर एंड इलाहाबाद लाइन बिटवीन लाहौर एंड इलाहाबाद लाहौर से लेके इलाहाबाद तक जितने भी प्रोविंस थी उन सब में जब सिस्टम फॉलो करवाया मालवा में पार्ट ऑफ गुजरात में भी ये जो प्रोविंस थी इनको पहले डिवाइड किया रेवेन्यू सर्कल्स में फिर रेवेन्यू रेट अलग अलग डिसाइड हुए डिफरेंट रेवेन्यू सर्कल्स के ड्यूरिंग शाहजहाँ रीन्स त तो जब सिस्टम वॉज एक्सटेंडेड टू डेक्कन प्रस और जब शाहजहाँ का टाइम आया जब सिस्टम जब सिस्टम डेक्कन में भी लेके गए अब हम सेकेंड हाफ़ की बात करेंगे कि सेवनटीन सेंचुरी के सेकेंड हाफ में क्या हुआ तो जो मुगल रेवेन्यू डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई बहुत ज़्यादा मुगल ऑफिसर्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए uh, बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस का uh, अपनाने लग गए बहुत ही ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस अपनाने लग गए जिसकी वजह से पीस एंड टप्राइजिंग हुई जब किसान टैक्स नहीं दे पाएगा तो वो क्या करेगा रिवोल्ट करेगा और उसने रिवोल्ट किया नॉर्थ इंडिया में और डक्कन में क्या हुए रिवोल्ट हुए रेवेन्यू कलेक्शन जो लैंड होती थी बच्चा जिसका रेवेन्यू रॉयल ट्रेजरी में जाता था राज खजाने में जाता था उसे खालिसा बोलते थे जो रेवेन्यू कलेक्टर होता था उसे ज़मींदार बोलते थे ठीक है कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड वो उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करता और रॉयल ट्रेजरी को दे देता जमींदार कुछ परसेंटेज अपने पास भी रखता क्योंकि उसने कलेक्ट किया हुआ था ही कुड कलेक्ट अदर टैक्सेज एज वेल वो दूसरे टैक्सेज भी कलेक्ट करता था और प्रॉपर रिकॉर्ड रखता था हर चीज़ का द जमींदार कोड मेंटेन ट्रूप्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू जमींदार ने भी अपने ट्रूप्स रख रक रखे थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो एम्पर होता था वो उसे टैक्स फ्री लैंड देता था और राइट दे देता था कि उस पर्टिकुलर ज़मीन पर रेवेन्यू तुम भी कलेक्ट करोगे ठीक है द एम्पर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड एंड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सच लैंड्स टू फेवर्ड स्कॉलर्स बेटा ये अलग है ना जो मैंने बताया ये नहीं है इसका मतलब ये है कि कुछ ज़मीनें वो क्या करता था अपने uh, कुछ लर्नड uh, स्कॉलर्स को दे देता दे था होली मैन को दे देता दे था रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे देता दे था जो एम्प्रर राजा होता था वो टैक्स फ्री लैंड होली मैन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे देता था और उनसे कहता था यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है ऐसी लैंड को हम बोलते थे सुई और घल और यूजुअली ये पूरी लाइफ के लिए दे दी जाती थी सुई और घल पूरी लाइफ के लिए दे दी जाती थी किसको दे दी जाती थी होली मैन को लर्न मैन को स्कॉलर्स को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अकबर द ग्रेट मुगल अगर पूछा जाए कि पूरी मुग़ल डायनेस्टी में सबसे महान मुगल शासक कौन था ग्रेटेस्ट मुगल रूलर कौन था तो आप लोग क्या बोलेंगे अकबर अकबर इज़ ऑल्सो नोन एज़ अकबर द ग्रेट विद गुड रीजन्स बहुत अच्छे काम इन्होंने किए इसीलिए। इसका एम्पायर बहुत बड़ा था बट इन डूइंग सो ही ऑलवेज़ यूज़ डिप्लोमेसी पर उसने हर जगह का डिप्लोमेसी हर जगह डिप्लोमेसी का यूज़ किया फ़ोर्स का यूज़ थोड़ा सा कम किया अकबर को ग्रेटली रिस्पेक्ट करते हैं सारे वाइ उसकी वाइस पॉलिसीज़ के लिए हम थोड़ा सा और देखेंगे कि उसने और क्या अच्छा किया राजपूत पॉलिसी अच्छा उस टाइम में राजपूत बहुत पावरफुल थे तो ये राजपूत जो चीफ थे के जो अलाइंस थे उस टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे अकबर ने मैरी किया राजपूत प्रिंसेस से प्रिंसेस ऑफ आम्बेर अम्बर की प्रिंसेस से मैरिज की किसने अकबर ने ही ऑल्सो गेट द राजपूत हाई पोस्ट उसने राजपूत को हाई पोस्ट दिया आर्मी में गवर्नमेंट में जो राजा टोडरमल थे उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया भगवान दास जो अंबर के ही थे उनके बेटे जो थे मान सिंह उसको आर्मी में बहुत बड़ी रैंक दी राजा भगवान दास के बेटे जो कि मान सिंह थे उन्हें आर्मी में बड़ा ऑफिसर बना दिया ये भी आमेर के ही थे और कुछ जो राजपूत रूलर थे वो खुशी खुशी आए और अकबर के अलाई बन गए और अपनी एम्पायर को मतलब किंगडम को आगे बढ़ाने में हेल्प की मिनी राजपूत रूलर विलिंगली खुद से ही अकबर के एलाइज बन गए और उसको हेल्प की उसके किंगडम के एक्सपांशन में ओनली सम लाइक like राजपूत ऑफ मेवाड़ रेसिस्टेड अकबर मेवाड़ के राजपूतों ने अकबर को से रजिस्ट किया इवन हॉस्टाइल राजपूत रूलर who ultimately surrendered to Akbar were usually allowed to keep their territories as Watan Jagir. But a kuch Rajput ruler the, jinho ne bahut hi hostile condition mein surrender kiya. Akbar ne unko bhi permission de di ki wo apne Watan Jagir, apne territories ko apne pas rakh sakte hain. अगर हम religious policy की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया कि जो अकबर था बहुत ही tolerant था towards all religion। अकबर mixed फ्रीली विथ हिंदू हिंदू के साथ सूफी के साथ फॉरेनर के साथ सबके साथ फ्रीली मिक्स होता था सारे रिलीजियस ग्रुप को इक्वली ट्रीट करता था उसने जो पिलग्रिम टैक्स जजिया था वो ख़त्म कर दिया विच वर टैक्सेस पेएबल बाय नॉन मुस्लिम जो सिर्फ नॉन मुस्लिम देते थे वो बहुत सारे राजपूत सली फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करता था अब को बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग जो सूफ़ी संत थे सलीम चिश्ती और जो सिख लीडर थे गुरु रामदास Uh, वो भी अकबर को मानते थे अकबर भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती को बहुत रेस्पेक्ट करता था सिख लीडर गुरु रामदास को बहुत मानता था उसने रामदास को एक प्लॉट ऑफ लांड दिया था अमृतसर में जिस पे ही हरमिंदर साहिब बना हुआ है जो गोल्डन टेंपल है वो हरमिंदर साहिब वो uh, उसी के ऊपर बना हुआ है तो ऐसे थे अकबर अकबर भी लर्न मैन को रेस्पेक्ट करते थे लर्न मैन भी अकबर की पॉलिसी से खुश थे गुरु रामदास ने भी अकबर की बहुत तारीफ़ की सलीम चिश्ती भी इन द न्यू सिटी दैट अकबर फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बनाया आगरा के पास वहाँ पर एक हॉल बनाया जिसका नाम था इबादत खाना यहाँ पर स्कॉलर सारे रिलीजन के आते थे और अपने रिलीजियस मैटर को डिस्कस करते थे उसकी इच्छा थी कि सारे रिलीजन में जो जो भी कुछ अच्छा है उस सबको कंबाइन करके एक नया रिलीजन बनाया जाए एक सिंगल रिलीजन बनाया जाए जिसका नाम उसने दिया दिला दीने इलाही डिवाइन फेथ मतलब जितने भी रिलीजन में जो 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 अच्छी चीज़ें उन सबको कंबाइन करो एक रिलीजन बनाया जिसका नाम था दीने इलाही द आइडिया ऑफ सुलेकुल यूनिवर्सल पीस एंड हारमनी वॉज इम्पॉटेंट पार्ट ऑफ़ दीन इलाई और ये जो यूनिवर्सल पीस और हारमनी है ये भी दीन इलाई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकबर हैड द महाभारत एंड द रामायण ट्रांसलेटेड इन टू परशियन अकबर ने महाभारत रामायण को भी पर्शियन में ट्रांसफ़र करवाया अबूलफजल का बिलीव था कि अकबर हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए इसके लिए उसने ऐसा किया कल्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अकबर ने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था इसके बाद भी बहुत सारे लर्न मैन थे एजुकेटेड लोग थे जिसको उसने पैटर्न किया हुआ था जिनको बहुत सारे पैसे देता था उसका बिलीव था कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए वो सारे लर्न मैन को अपने यहाँ पेट्रोनाइज़ करता था अच्छा उसके बाद जो अकबर की जो लाइब्रेरी ऐसा माना जाता है कि अकबर की लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ मनुस्क्रिप्ट थी मोर देन फोर थाउजेंड ऑफ़ अन मनुस्क्रिप्ट थी ऐसे बिलीव किया जाता है कि अकबर की लाइब्रेरी में फ़ोर थाउजेंड से भी ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट थी अकबर ने टैलेंटेड पर्सन को पेट्रोनाइज कर रखा था उसके दरबार में नाइन जें थे फजल, फैजी अब्दुलरहमान खान खाना अब्दुलरहमान खान खाना अबुलफज़ल फैजी बीरबल राजा टोडरमल राजा भगवान दास राजा मान सिंह तानसिंह दासवानी ये सब किसके कोर्ट में थे अकबर के कोर्ट में थे अबुल फजल अकबर के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे इसीलिए उन्होंने उनकी बायोग्राफी अकबर नामा लिखी है जिसमें अकबर की लाइफ और उसकी की प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी सो स्टूडेंट आई आग दिस वीडियो हेयर ओनली फिफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम कॉमेंट्स विच